अगर आप लोग इनको जानते हो तो मेरे को मतलब कमेंट में बताओ कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, कोई कांटेक्ट वगैरह मिल जाएंगे घर का तो हम लोग उनको बता सके कि हाँ ये आपके घर के है क्या, यहाँ पे बहुत टाइम से बैठे हुए हैं। बच्चों को लग रहा है कि मैं ब्लॉगर हूँ यार, मैं ये बनाता हूँ मतलब मेरी यादों के लिए, मतलब यही दिन तो याद आएंगे बाद में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे है आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बदन में मेरा थोड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि फुटबॉल वॉल खेलते, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ दिन हम आराम करते हैं फिर अचानक से एक दिन जाके इसे ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट होते हैं तो दर्द वर्द चालू हो जाता है। जिम तो ज्वाइन किया नहीं हमने, अब जिम ज्वाइन करना है। बहुत महीने हो गए, बहुत टाइम हो गया जिम की शक्ल देखे हुए, पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे और बॉडी वॉडी कसरत से बनाएंगे। यस, तो अभी इसी के साथ हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, मतलब आज तो नींद पूरी नहीं हुई हमारी, एडिटिंग वेडिटिंग करी वरी, सुबह 5 बजे सोया हूँ मैं, फिर 7 बजे उठ गया हूँ, कॉल वॉल आने लग गए थे, कुछ काम वाम था उस सिलसिले में मुझे उठना पड़ा, पर कोई नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया, अभी कुछ काम बाकी अभी हो जाएगा। तो चले चलते हैं इसी के साथ हमारे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यार बाहर है बहुत सुहाना मौसम, ऐसे कौवे उड़ रहे हैं और मतलब साफ खुले खुले आसमान है और छाव है, मतलब छाव तो होगी ना, शाम हो गई थोड़ी सी तो छाव हो गई, मतलब बड़ा अच्छा है यार, बारिश के दिन ना बहुत जल्द आने वाले। पिघल रही है मेरी मैंगो आइसक्रीम, पिघल रही है। ये तो यार मैं मैंगो खा रहा हूँ तो पिंपल विंपल आ रहे मेरे को, फोरहेड पे इधर आ गए इधर आ गए, तो मैंगो खाना मैंने बंद किया है। पर अम्मी कहती है कि अम्मी जान कहा करती, मैंगो खाने का मन तो आइसक्रीम खाओ, मैंगो तो मैंने लाया, मैंने फ्रिज में रखा, पर छुप छुप के खाना पड़ता है मेरे को, मतलब यार मतलब यहाँ में आ जाता है वो आइसक्रीम खाता है उसकी तबीयत वैसी ठीक नहीं है, थोड़ी सी खांसी वासी है उसको, तो इस वजह से छुप छुप के खाना पड़ रहा है हमें, बताओ यार। फिर वो आता है, चिल्लाता है, रोता है और आइसक्रीम मांगने लगता है तो देना पड़ता है, वो बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्द करता है मेरा बच्चा। यस, तो हाँ, तो मैं ना मौसम इंजॉय कर रहा हूँ, आइसक्रीम खा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है और आप उससे बातें भी कर रहा हूँ, थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए, थोड़ी इसे वाहियात बातें कर रहा हूँ मैं, मतलब कुछ भी कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंस पर बोल रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू। वैसे मौसम दिख रहा हूँ आप सबको, मौसम ये है आज का मौसम, मतलब मौसम दिखना भी तो चाहिए आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं यार, ये नेट लगा दिए ना इस वजह से नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, अच्छा मौसम है आप लोगों को तो पता ही होगा यार। आसमान दिखाने के चक्कर में सारी आइसक्रीम पिघल गई और सोफा भी गिर गई, अब मम्मी मारेगी। ये देखो यार, बाप रे, इसको साफ करता हूँ मैं, बहुत ज्यादा गिर रही है, बहुत ज्यादा साफ करके मिलते हैं बाद में, आइसक्रीम खत्म। हम निकले हैं मस्जिद से नमाज पढ़ के और मैं थोड़ी देर मतलब मैं नफी नमाज का पढ़ने लगा, मेरा दोस्त बाइक लेकर भाग गया, उसे लगा मुझे लेट हो जाएगी नमाज पढ़ने में, तो अभी मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा, फोन भी बंद आ रहा है भाई का, पता नहीं कहाँ चले गए, तो इंतजार करके जाते हैं। तो एक बच्चा यहाँ से जा रहा था, कौवा उसके सर पे ना चोंच मार रहा था, इस ये बच्चा नहीं था, वो दूसरा बच्चा था, बच्चा वहाँ से भाग गया, मतलब मैं जा रहा हूँ और वहाँ कौवे का ना एक घोंसला है, तो बच्चा उधर पे कुछ मारा और भाग रहा था, तो मैं उसको देखा क्यों भाग रहा था, भाई कौवे दो आए उसके सर पे चोंच मारे और भाग गए, वो बच्चा यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, बुलाता हूँ उसको, रुको। यही है वो बच्चा जो डर के भाग, यार वो बच्चा नहीं आया, बच्चा भाग गया, बोलता है कि कौवे मारेंगे उसको, मैं वहां से नहीं जाऊंगा, वो भाग गया, लेकिन मेरा दोस्त आ गया, अभी हम जा रहे हैं। कैरी है वहां पर, हाँ। आंटी मेरे को मारेंगी तो मारेंगी, आप दोनों बचाओगे? नहीं यार, आंटी निकलेगी और डंडा लेके मारेगी, मैं बचपन में छोटा था ना तो मैं वहां पे कैरी तोड़ता था, तो आंटी दौड़ाती थी हम लोग को, फिर मेरे को कोई बचाता बचाता नहीं था, आज भी कोई नहीं बचाएगा, पक्का पक्का, मेरे को प्रूफ दो आप लोग बचाओगे, कैमरे में बोलो कि आप लोग बचा लोगे मेरे को, चलो ठीक है, जाते कैरी तोड़ने बच्चों के लिए, बच्चों को खानी है कैरी, उसका झाड़ वहाँ ऊपर है, पर नीचे आ गई है अंकल की गाड़ी और अंकल चिल्लाएंगे, और बच्चे देखो वहाँ बैठे बेचारे कैरी के इंतजार में, कैरी इन पर मिली नहीं, और मैं भी आ गया वापस, अंकल तो खड़े हो गए वहाँ पे, नहीं अरे ये मैं ऐसे ही मतलब मैं ब्लॉगर थोड़ी ना हूँ, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, कैसे ब्लॉगर कैसे हो सकता हूँ मैं, बच्चों को लग रहा है कि मैं ब्लॉगर हूँ यार, मैं ये बनाता हूँ मतलब मेरी यादों के लिए, मतलब यही दिन तो याद आएंगे बाद में, समझ गए, कैमरा ले लूँ, नए फ़ोन है ना मेरे पास आईफोन, तो हाँ बच्चों को लग रहा है मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉगर थोड़ी हूँ। अच्छा यार बच्चों को कैरी नहीं मिल पाई आज, तो कल तोड़ेंगे, कल बच्चों को कैरी दे देंगे हम लोग, आज अंकल आ गए तो पॉसिबल नहीं होगा, तो कल बनाएं, कल हम लोग कैरी बच्चे को दे देंगे। A few moments later.
तो जब मैं घर गया तो वहाँ पर अनाया आई हुई थी और मैं अनाया और तिहामी को लेकर गया केक शॉप पर उसे पेस्ट्रीज दिलाने के लिए। तो मैंने पेस्ट्रीज दिलाए, अब तिहामी किसी दूसरे के लिए जिद कर रहा था, तो जैसे तैसे उसे मना के वहाँ से निकल गए। मैं ना यहाँ पे बैठा हूँ बहुत देर से, मतलब 10-15 मिनट तो मेरे को हो गए अभी, और मेरे बाजू में एक भाई साहब बैठे जो मतलब वो बात ही नहीं कर रहे। मैं उनसे कुछ भी पूछ रहा हूँ बोल रहा हूँ तो कुछ जवाब नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। मतलब मैं मतलब कुछ खाओगे कुछ पियोगे क्या नाम है वगैरह वगैरह कुछ भी बोल रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे। मतलब सिर्फ हंस रहे हंस रहे। उनको कोई सदमा है या कोई परेशानी है मेरे को इसका अंदाज़ा नहीं है क्या हो गया उनको। मैंने बहुत कोशिश करी पूछने की पर वो कुछ बता नहीं रहे मेरे को। तो यार मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप लोग देखोगे कौन है क्या हाल है इनका कैसा है, अगर आप लोग इनको जानते हो तो मेरे को मतलब कमेंट में बताओ कि हाँ मैं इनको जानता हूँ। कोई कॉन्टैक्ट वगैरह मिल जाएंगे घर का तो हम लोग उनको बता सके कि हाँ ये आपके घर के है क्या, यहाँ पे बहुत टाइम से बैठे हुए हैं। क्योंकि कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे। रुको मैं अभी आप लोगों से मिलवाता हूँ, देखो आप शायद आप लोग जानते हो तो मेरे को बताओ यार, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे कुछ बात ही नहीं कर रहे। ये देखो सर कुछ जवाब नहीं दे रहे। आप लोग जानते हो तो कमेंट करके बताओ कि कहाँ रहते हैं कहाँ के हैं क्या हाल है क्या नाम है इनका, फिर हम लोग फैमिली को मिलवाते हैं इनकी। ओके मिल जाएंगे अब आपकी फैमिली, डोंट वरी। यस कौन है ये लोग? अब मैं निकल चुका घर के लिए और वक्त हो चुका इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का, तो आपसे मिलेंगे अगली ब्लॉग में। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए, और अगर आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करें कमेंट करके बताएं सब ब्लॉग कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़।